अरे मैडम जी दुपट्टा भैया 150 रुपए का लिया, 150 रुपए का। अबे पावली दुपट्टा ऊपर को ले, पहिया मार जाएगा। क्या 40 के बाद बॉयफ्रेंड बनाना सही है? नहीं नहीं 40 बॉयफ्रेंड बहुत होते हैं। अबे मैं 40 साल की उम्र की बात कर रही था। मतलब तेरे भी हैं फिर इतने? हाँ हाँ पहले थे। अरे भैया एक सिगरेट देना जरा। यार सुहेल तुम कितने बिगड़े हुए हो, मुझे नहीं पता था ना तुम अपने माँ बाप का ख्याल है ना तुम अपनी सेहत का ख्याल है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रहने दो भैया, मत दो। ठीक है तो भैया एक दिलबाग निकाल दो। मतलब मुझे ज्ञान झाड़ रही है और खुद दिलबाग बन गई है। मुझे भी दो सिगरेट। मेरा भैया बहुत ही अच्छा इंसान था। चलो भाई चलो शमशान घाट लेके चलो इसे। शमशान घाट लेके जा रहे हो? हाँ। तो इन सबका काम निपट गया? हाँ हाँ। वो मैं ये कह रही थी अब ये गुलाब किसी काम का नहीं है तो मैं ले लूं। यहाँ को रख दे चुपचाप फूल को। यहाँ को रख, सीने पर रख, बीच में सीने पर रख। हाँ यार मर जा तू, मरा रहे। चल भाई। यार कितनी गर्मी हो रही है, ये सूरज रात में भी निकलता है क्या? पता नहीं यार, रात में अंधेरा हो जाता कभी दिखाई ना दिया। अबे भाई इसे सिकंजी पिलाओ, गर्मी से चक्कर खा के गिर गया। अरे भाई ने सिगरेट पिलाओ। अबे इन पे पानी की छींटे मारो। अरे एम्बुलेंस बुलाओ। अरे ना दारू पिलाओ अभी ठीक हो जाएगा। अबे सिकंजी पिलाओ सही हो जाएगा। अब पानी की छींटे मारो। अबे एम्बुलेंस बुलाओ। अरे भाई ने सिगरेट पिलाओ। अरे ना दारू पिलाओ अभी ठीक हो जाएगा। अबे चुप चुप। अबे इन दोनों भाई सब की सुनो क्या कह रहे हैं। अबे दारू पिलाओ और सिगरेट पिलाओ अभी ठीक हो जाऊंगा। ओहो मैडम आप इस स्कूल में नई हो क्या? आप बहुत खूबसूरत हो, अपना नंबर दे दो मुझे। अबे साले तुम्हारी कॉपी के पीछे लिखा नंबर। मेरी कॉपी के पीछे मतलब? अबे तुम्हारे प्रिंसिपल की बेटी हूँ। प्रिंसिपल की बेटी? अभी मम्मी से शिकायत करूंगी, तेरे स्कूल से ना निकलवा दिया तो बात है। अरे बाजी गलती हो गई। गलत लगा रहे हो, चेस्ट अप बैक डाउन। चेस्ट अप बैक डाउन। ठीक है मैडम जी, हो गई, चल रहा हूँ मैं। हाँ भाई सुहेल भाई, तुम्हारी तो मिठाई की दुकान है। अब हाँ यार, तुम्हारा तो बहुत मन करता होगा रसगुल्ले खाने का। यार मन तो बहुत करता लेकिन पापा गिन के रख के जाते हैं। अच्छा तो फिर क्या करता है तू? फिर क्या, फिर भी मैं चूज के रख दूं। और जाओ इसकी दुकान पे से मिठाई लेने। हाँ वो मैंने सारे चूज के रखे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। गाइस ये स्विमिंग पूल के मैनेजर बड़ा परेशान है कि साला सुबह को 25,000 लीटर पानी भरा जाता स्विमिंग पूल में, ये साला शाम तक 26,000 लीटर कैसे हो जाता? किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कैसे हो जाता है यार ये। 1,000 लीटर फालतू हो जाता।